करांगा कि कोविड के रिगार्डिंग गाइडलाइनस बड़े अच्छे तरीके फॉलो करन ता जो इसे अपना छेती तों छेती काबू पा लीए। तो पिंडां दे लोकां नूं भी मेरी यह बेनती है कि जदों भी कोई मैडिकल कैंप लगता है उन्हां दे पिंड च लगता है या नाल दे किसे पिंड च लगता है तां उहदे च वध चढ़ के सैंपलिंग करवाउण, जिन्हां नूं कोई सिमटम हैगा खंघ जुकाम है वह भी करवाउण, तां होर भी जिहड़े खास तौर पर सैनी उमर के लोग ने उन्हां दा भी सैंपलिंग। कि जो सोशल मीडिया के उत्ते अफवाह फैलाई हुई ने ये बिल्कुल झूठ ने। अज थाना सदर नाभा के एरिए दो तीन जगह पर मैडिकल कैंप लगे। डॉक्टर हंसराज जी SMO साहब इस टीम में लीड कर रहे हैं, साढ़े वालों पुलिस पार्टियां भेजिया गई हैं। किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं आ रही, हम लोग बहुत अच्छे तरीके कोऑपरेट कर रहे हैं मैडिकल टीम्स तो। जिदा अज SAL फैक्ट्री च कैंप लगा हुआ तो रेगुलर तौर पर अपने सारे स्टाफ की रेंडम सैंपलिंग करवाते रहते हैं, तो अज तक इन्हां दी फैक्ट्री च एक भी पॉजिटिव केस नहीं आया। उसकी वजह यही है कि ये जिहड़ियां सरकार दीआं गाइडलाइनस ने उन्हां नूं बड़े अच्छे तरीके नाल फॉलो कर रहे हैं। इन्हां एक प्रोसीजर बनाया हुआ SOP बनाई हुई है कि किस तरीके नाल फैक्ट्री च दाखिल होना है, उस तों बाद सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है, तो उन्होंने बड़े स्ट्रिक्टली ये फॉलो कर रहे हैं। तो इतने मैं होर भी सारिया फैक्ट्रीज वालों तो होर आम लोगों को भी यही रिक्वेस्ट करांगा कि कोविड के रिगार्डिंग गाइडलाइनस बड़े अच्छे तरीके फॉलो करन ता जो इसे अपना छेती तों छेती काबू पा लीए। तो पिंडां दे लोगों को भी मेरी ये बेनती है कि जदों भी कोई मैडिकल कैंप लगता है उन्होंने पिंड च लगता है या नाल दे किसी पिंड च लगता तो वो वध चढ़ के सैंपलिंग करवाउण, जिन्हां नूं कोई सिमटम हैगा खंघ जुकाम है वह भी करवाउण, तो होर भी जिहड़े खास तौर पर सैनी उमर के लोग ने उन्होंने भी सैंपलिंग। प्रिंस जी तुसीं इस फैक्ट्री नूं सुपरवाइज कर रहे हो, जिहड़े दूजे होर एंटरप्रेन्योर इदां दे चल रहे ने उन्हां वास्ते तुसीं की एडवाइस करोगे? सब तो पहला तो मैं इतने जो पारसों तो साड़ी मैडिकल टीम आई है SMO साहब और उन्होंने समूह सोता और इतने डिसिप्लिन रखने के लिए जो साढ़े सदर थाने को इंस्पैक्टर साहब आए हैं और उन्होंने पूरा स्टाफ आया। पहला तो मैं SAL वर्कर यूनियन की तरफों उन्होंने जी आया आखना और मैं उन्होंने धन्यवाद भी करता हाँ कि ये उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया और बड़ा उपराला किया है जिहड़े इत्थे आए ने और साढ़े इतने वर्कर साथियों के सारे टेस्टिंग हुई है कोरोना कोविड की। और मैं सारे यही अपील करना चाहते हैं कि जो सोशल मीडिया के उत्ते अफवाह फैलाई हुई ने ये बिल्कुल झूठ ने। मैं थोड़ू अपनी फैक्ट्री की उदाहरण दे रहा कि साढ़े लगभग इतने 250 के लगभग वर्कर साथियों के साढ़े ये टेस्ट हुए ने, पर साढ़े च एक भी बंदा पॉजिटिव नहीं आया, सारे नैगेटिव। ये थोनों मैं एक छोटी जी उदाहरण दे रहा साड़ी कंपनी की और असी मैं तो सारे यही अपील करता कि ये अफवाहों तो बचो और जो साड़ी ये सरकार के तरफों साढ़े मानयोग मुख्यमंत्री साहब की तरफों जो मिशन फतेह का एक सानू दिता हुआ संदेश वो भी आप पालना करिए और जो सरकार की गाइडलाइनस दी हुई ने वो भी आप पूरी ना पालना करिए कि जी सा समाज आ वो निरोग बनया रहे, स्वस्थ बनया रहे। SOP बनाई हुई है सारे स्टाफ वास्ते कोविड के रिगार्डिंग, वो बारे भी दो लक्ष्य दसो। असी जो 4 मई को लॉकडाउन खत्म होया है, इंडस्ट्री शुरू हुई है, उससे असी बहुत सारिया गाइडलाइन पंजाब सरकार अनुसार बनाईया सी कि किमें आना है किमें जाना है, मास्क पहनने हैं, साबन नाल हाथ धोने हैं, समान सैनिटाइज करना है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है,
असी आन जान दी एक उन्होंने खब्बे हाथ रहन दा दस्या भी किसी दूजा भीड़ भाड़ दे गए तो बचना है। वध तो वध सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, अपने आप नूं सैनिटाइज करना, हाथ धोना, पंजाब सरकार दीआं हैल्थ डिपार्टमेंट दीआं गाइडलाइन वध तो वध मनना, असी आप भी मनिया, साडा स्टाफ मन रहा है, असी समूह जनता नूं अपील करते हाँ कि वध तो वध मनना चाहिए। जिहड़े भी पहलां वाहां हैगीआं सी ਉਹ ਹੁਣ ਦੂਰ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੂਰ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਂਪਲ ਸਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਸਪਿਟਲ ਨਹੀਂ ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਅੰਦਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜਿਟ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਰਾਉਣ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਣਾ ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਦੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਵਿਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 5,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁਛ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਕਰ ਵੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ।